welcome back to Shape Up Your Life. राजू देवी हमारे साथ है. Yes, it's popular लोग के पास time नहीं होता ज़्यादा. Oh my God. तो मेरी और जैस्मिन की वीडियो थी जिसमें जैस्मिन के क्वेश्चंस थे और मेरे आंसर्स थे कि मैं जैस्मिन को कितना जानती हूँ. उस वीडियो के बाद कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं दोनों बच्चों के साथ एक वीडियो करूँ जिसमें पता चले कि दोनों बच्चे मुझे कितना जानते हैं, और मैं उस वीडियो को करना नहीं चाह रही. हाँ, नहीं तो पता लग जाएगा कि मैं ज्यादा जानता हूँ. तू बस कर. और मैं क्यों ये वीडियो नहीं करना चाहती थी उसके पीछे भी रीजन है कि मेरी कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स नहीं है. बैलेंस लाइफ है, तो है वो सब कुछ पसंद होता है, किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं बच्चों से, क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेरा है नहीं है लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स. इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब पे एक मैसेज डाला था कि प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मुझे अपने बच्चों से इस गेम में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए. लेकिन शायद उस मैसेज को समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सबने मुझसे वो क्वेश्चन पूछे जो वो लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे. तो वैसा जो गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम आए, जितने भी आए मैंने लेने की पूरी कोशिश की है. बट आपके क्वेश्चंस देख के मुझे एक और आइडिया आया कि एक Q&A सेशन मैं ज़रूर करूँगी और आप सबके उन क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगी उस वीडियो में. बट चलिए बच्चे मेरे बारे में जानते हैं. मैं बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस पूछूंगी, वो तो हम बताएंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज होता रहता है, वही चीजें हैं सेम टू सेम. और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में से आज ये गेम कौन जीतने वाला है. वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है. जोक्स अपार्ट, तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज My date of birth. सोचना पड़ रहा है. आपकी एज है 49. आपकी एज है 49. नहीं नहीं, मेरी एज है 42. आइए ना, ये तो चीज़ है. कैलकुलेट करने बैठेगा अभी. मैंने तो नहीं बताया ना, वो खुद कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, कर ले. डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता. भाई साहब वो मैथ्स करने लग गया है. ओ नवंबर लिख दिया. उसको सिर्फ पार्टी से मतलब होता है. चलो दिखाए 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 नहीं दिखा आपके मर्जी. गिव अप. हाँ चलो. अब जैसे ये गेम शुरू हुई है ना, ऐसे ही खत्म हो. आप देख लेना, क्योंकि ये प्राणी अपने में ही रहता है. फेवरेट कलर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है मेरा, बट नॉर्मली जो मुझ पे सूट करता है. अपना जवाब बताना ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे. मैं ज्यादा पसंद करती हूँ येलो एंड ब्लू. चलो एक तो सही है. गलत. ब्लैक नहीं, येलो ठीक है. अब जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है फॉर उदय स्पेशली. ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो पिछले 2-3 महीने से मैं रेगुलरली घर में गाती रहती हूँ. गाती रहती हूँ, नाम नहीं पता मेरे. ओह माय गॉड, गाती रहती हूँ. हाँ, मैं 2-3 महीने से. अरे यार, रोज मैं मम्मा के साथ गाता हूँ गाना. मुझे गाना याद आता है. किचन में कुकिंग करते हुए, लिविंग रूम में, अपने रूम में मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ, और उदय भी कई बार मेरे साथ वो गाना गाता है. एक वर्ड बता दो, दीदी को भी आइडिया हो जाएगा, क्लू मिल जाएगा. लोग तो गाने पता चल जाएगा उसमें. एक जीरो पॉइंट. हम क्या करें? यार एक स्नैक जो मैं कॉलेज टाइम में ज्यादातर खाती थी. तेरे को पड़ेगी अब उधर, सच बता रही हूँ मैं तेरे को. मैं तो दिखा. क्यों मैं तो दिखा? अच्छा दिखाना है. एक दिखा देते हैं. 3-2-1. पैटी इज राइट, बट तूने क्या वेजिटेबल पैटी थी. पैटी को पॉइंट जाता है. वेजिटेबल पैटी खाती थी मैं. माई 3 most favorite ड्रिंक्स. ब्लैक कॉफी, लेमोनेड और बस इसको याद नहीं आती अब वो. सोच ले बेटा, सोच ले. हो गया. ग्रीन टी. मैं सोडा लिखा है. आई मीन
अगर मुझे जाना हो कहीं घूमने के लिए तो मैं कौन सी जगह प्रेफर करूंगी, लाइक सिटीज और हिल्स में से मुझे ज्यादा क्या पसंद है? राइट आंसर, डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है, मुझे बस कोई पहाड़ मिल जाए और वो कहीं भी होना चाहिए, मैं बस वहां पे जाके पीसफुली बैठ जाऊं, बस मेरे लिए वही ये संत औरत संत औरत. विच एक्सरसाइज आई लाइक द मोस्ट, कोई एक एक्सरसाइज जो मेरे हर वर्कआउट में होती है और मुझे करना बहुत पसंद है, और तुम लोगों को पता है वो. राइट, यही स्क्वाट्स. पहले मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे माउंटेन क्लाइंबर्स भी हो सकता है. नहीं, बट स्क्वाट्स जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, एक तो वो आपके लार्ज मसल यानी कि आपके लेग्स पे वर्क करती है, वेट लॉस में बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करती है. अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन मैं किसको मानती हूँ, माय इंस्पिरेशन डन. चलो 1 2 3 मजा. सही है मेरा, है ना? सही है ना मेरा? ये क्या था? नानू मम्मा के इंस्पिरेशन. माय फादर इज माय इंस्पिरेशन. मम्मा के इंस्पिरेशन नहीं, वो हम सबके इंस्पिरेशन है, बिकॉज इतनी एज में भी उनको इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नॉलेज है. कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा सेंड करूँ कि मतलब उनको वो ना पता हो और फिर वो मुझे बोले कि हाँ जासमीन तूने नहीं बब, ऐसा कभी होता ही नहीं. मैं कुछ भी भेजू उनके इतने सारे ओपिनियंस होते हैं उस बात पे, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं. He is genius. Yeah, he is very seriously. और ऐसा नहीं है कि only father, my mother is also my inspiration, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते हुए मैंने उनको देखा है. हम छोटे भी थे तो कह सकते हो कि चार लोगों का काम वो अकेले कर लेते थे, तो आज भी उनकी इतनी ही स्पिरिट है. इतनी एज में भी वो बैठते नहीं है, वो काम 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 करते रहते हैं. मेरे मदर इन लॉ भी सेम है, वो भी ऐसे ही है, वो सुबह से शाम तक वो भी बहुत काम करते हैं. और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं और ये देखो ये तो पेशेंट है कि इससे ऐसे बैठ नहीं जाता आराम से, बिल्कुल नहीं बैठ सकता. मीठे में क्या खाना पसंद करती हूँ, जब मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है. एज सच मेरी कोई स्वीट ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं जब क्रेविंग होती है. हाँ, जब मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मैं क्या खाना पसंद करती हूँ. टेक योर टाइम प्लीज, और तुम्हें पता है ये प्लीज प्लीज सही जवाब दे. 1 2 3 Yes. इसलिए नहीं पूछा कि मेरा फेवरेट स्वीट्स क्या है, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्वीट मेरा है नहीं है कि मुझे आइसक्रीम खानी है या मुझे चॉकलेट का कुछ खाना है या मुझे एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है. मीठा मीठा ही होता है, जो भी आ जाए सब अच्छा है. माय पैशन क्या है? क्या है? क्या कर रहा है? मैंने कर रहा है, ये अपना कुछ करी जा रहा है भाई. और वो तो मुझे सीक्रेट मैसेजेस लिख के भेज रहा है ऐसे नीचे से कि ये पढ़ ले, मैं सीक्रेट कुछ बता रहा हूँ तुझे. पैशन क्या होता है? पैशन वो होता है कि जो चीज आप रेगुलरली करते हो, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो होता है पैशन. चलो राइट, सिंगिंग भी यस, एक्सरसाइज करना आई लव द मोस्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, माय फियर फोबिया. ये तो सबको ही पता है, ये तो आपको भी पता है. राइट, इन विच एज आई गॉट मैरिड. 1 2 3 उदय. 19 में थोड़ी हो गई थी. जैस्मिन इज राइट, 21 में हुई थी. बुद्धिमान आदमी. 19 साल. तुम दोनों में से मैं किसको ज्यादा प्यार करती हूँ? ये कैसे क्वेश्चन है? फन क्वेश्चन. चलो हम दोनों में से नहीं, वो स्टफी है. शट अप. स्टफी को पानी पिलाना है. ऊपर जाओ, अभी जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ. डांट पड़ जाती है हमें तो उसको पानी भी लेके आ रहे हो, उसको पानी पीना. हमें भी प्यास लगती है जब हम वॉक करा कर आते हैं, हमें तो कोई नहीं पूछता पानी. सच में ऐसा? मम्मा भी और पापा भी. पापा तो बहुत ही ज्यादा है उसको लेके कि स्टफी को कुछ नहीं, हाथ मत लगाओ, वो चाहे तुम्हें खा जाए पूरा, पर तुम ना कुछ भी करोगे. नहीं नहीं, बच्चा है वो, बच्चा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों मेरे बच्चे हैं और वो तो बच्चा है ही है. ये क्वेश्चन फन के लिए था. माँ से अगर पूछा जाए कि वो अपने बच्चों में से किस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो सबको ही उतना प्यार करती है. उसके कोई पास. और जो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है. सिर्फ सो रहा है यहाँ पे.
और आराम कर रहा है। माई फेवरेट पहाड़ी फूड, हिंट भी दे रही हूँ, मैं जब भी जाती हूँ वहां पे तो मैं मम्मा के हाथ का जूट बनवा के खाती हूँ। मेरे को याद नहीं है, मैं स्पेलिंग मेरे गलत होंगे ठीक है, तो प्लीज स्पेलिंग देना इसके। वो स्पेलिंग नहीं आते ये ठीक है, ये पता है ठीक है, मेरे को भी नहीं पतोड़ू, मैंने ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, बट ओके। फोर लेटर इंग्लिश में लिखे है, हिंदी में लिखा है पाड़ा अड़ा पतेड़। अरबी के पत्ते जो होते हैं उनसे जो सब्जी बनती है, लाइक स्नैक्स होते हैं एक तरह के, मैंने एक वीडियो में भी डाला था वो, कि मम्मा बना रहे थे और मैंने वो शूट किया था उनका, तो मेरे को इतने पसंद है वो। अच्छा, नेम ऑफ माई स्कूल एंड कॉलेज। मैं स्कूल पता, बस तुझे स्कूल पता है वैसे? मुझे गलत ही पता होगा। पता है हो गया। जैस्मिन इज राइट। उदय, मैंने एक चीज सही लिखी है, डीएवी कॉलेज था, कॉलेज है ये, और आर्यन नेशनल स्कूल था। कुछ पता है मम्मा के बारे में? हाँ, क्या मेरा नाम आपका नाम पता है? थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरा नाम पता है। अच्छा ये बता दो मेरा निकनेम क्या है। चलो राइट आंसर स्टाइल में लिखा है। सोनिया इज माई निक नेम, यहाँ पे कोई नहीं बुलाता लेकिन मेरे मायके में सब लोग मुझे अभी भी इसी नाम से ही बुलाते हैं। किरण कोई नहीं बोलता। द थिंग विच आई हेट द मोस्ट, मैं हिंट दे देती हूँ, वो कोई पर्सन नहीं है और ना ही वो कोई ऐसा फूड है। आपको बताना पड़ेगा सोच समझ के कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? जब चीजों को, जब पंचुअलिटी नहीं होती। गलत दोनों का मतलब कनेक्टेड है। मेरे को चीजें टालना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक पोस्टपोनमेंट, जो काम मुझे अभी करना है वो मुझे अभी करना है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज टाइम में हम कितनी फ्रेंड्स थी हमारे ग्रुप में, ग्रुप को हमने एक नाम दिया हुआ था और वो क्या नाम था? 1 2 3 उदय कितने लिखे हैं? 3 मस्त। ओ रब्बा रब्बा। चलो ठीक है फिर, ये परेशान हो गया है बैठा बैठा, इससे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा। क्वेश्चन मेरे पास खास कुछ थे नहीं, बट क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो ये वीडियो मैंने बनाई है। इस गेम तो आप लोगों ने देख ही लिया जैसे कि कौन जीता है। तो इस गेम की विनर है जैस्मिन, इसलिए क्योंकि बेटियां अपनी मदर से ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, ज्यादा उनके क्लोज होती हैं, किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं कि जानता नहीं अम्मा को, बट ये फोकस नहीं करता उन चीजों, ये इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करता है। हाँ बस वो रहता है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है। तो दोनों बच्चे हैं या बच्चे दो हो तीन हो, कैसे भी हो, आपकी फैमिली मेंबर्स आप किसे जितना भी प्यार करते हो, लेकिन सबकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है और उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बट विनर तो दोनों बच्चे। हाँ विनर यही है, मुझे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।